बैक टू माई न्यू ब्लॉग गाइज। आज ईद है और आप सबको मेरे पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आप लोग की ईद बहुत बहुत अच्छी होगी और हम लोग की भी देखो कैसी होगी ईद, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है दिन। और थोड़ी देर पहले मैं उठ गई थी, बट मैं कुछ काम कर रही थी और मैंने ये मेहंदी लगाई। मेरी बिल्कुल भी नहीं रची, क्योंकि मेरी नहीं किसी की मेहंदी नहीं रची, क्योंकि मैं जो कोन लेकर आई थी मार्केट से वो सारे के सारे मुझे लगता है पुराने थे, तो शायद उसने इतना स्टैंड नहीं दिया। इस पर बहुत हल्की मेहंदी लगी है, मेरी नहीं सबकी हल्की लगी है जिसने भी लगाया था। और अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं नीचे जा रही थी सफाई करने, तो मैंने सोचा पहले अपना इंट्रोडक्शन शूट कर लेती हूँ उसके बाद ऊपर आके और उसके बाद नीचे जाके काम करूंगी। मैंने प्रेस करके तो डाल दिया है अपना सूट, अभी जाऊंगी नीचे और थोड़ा झाड़ू वगैरह पोछे धुलाई वगैरह जो भी करना होगा थोड़ा बहुत वो करूंगी, उसके बाद मैं वापस से अपना रेडी होंगी नहाकर और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पूरे दिन क्या किया। तो बने रही मिल गई, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग करना मिल गई थी। हम बड़े हैं नाप ले। गाइस अभी फातह के लिए सेवैया बनी थी तो मैं वो अभी खा रही हूँ, मैं उसके बाद थोड़ा काम करूँगी क्योंकि मुझे भूख लग रही है। A few moments later. और गाइस ये बहुत ज्यादा फेमस जो नायरा कट चल रहा है ये वो है और ये सब फैला पर पड़ा है, अभी सब साफ कर देंगे। गाइस मेरे आज के दोनों आउटफिट इस कुंडे पर टंगे हुए हैं और मैं इसको पहनूंगी। सारे लोग अम्मी कौन सा सही लग रहा है इन दोनों में? बट इसका नहीं है, किसी और का है। चल तो जाएगा ना। हाँ, चल जाएगा। 200 रुपीस क्या बोला तूने? 2 रुपए भेजे, पीछे कुछ है ही नहीं। दिखा, मैं नहीं दिखाऊंगा। हाँ पॉइंट लगा है, वो जीरो नहीं है। ये तो कंजूस भाई मिले हैं, छोटे हैं, कमा थोड़ी ना। तो गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मैं करूंगी मेकअप, मैं फिर उसके बाद पूरा रेडी होकर फिर जाऊंगी सबसे ईद मिलने। तो अभी मैं रेडी होती हूँ, मेकअप करती हूँ, उसके बाद अपना फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और रेडी होने के तुरंत बाद मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ चली आई थी, इसकी वजह से मैं अपना फाइनल लुक बिल्कुल भी नहीं ले पाई। फिर आकर मैंने अपने बालों को बांध लिया था, आप लोग देख ही रहे हो। फिर ये मापी की फ्रेंड बैठी हुई है, भाई लोग बैठे हुए हैं रूम में, सारे लोग, मेरी मॉम है, मॉम इधर देखिए। गाइस ये खाना हम लोग खिला रहे हैं, देखो ये खाना हम लोग इसको खिला रहे हैं। गाइस अभी मैं जा रही हूँ घूमने अपने नानी घर पे और तो चलते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर आ गए हैं अपने नानी घर पे और मैं यहाँ रूम में बैठी हूँ और ये मेरी सिस्टर बैठी है यहाँ पर। बजी हाय हेलो। हाँ तो गाइस ये मेरी सिस्टर है और ये पूरा हम बैठे हैं यहाँ पर और ये खाना लगा हुआ था, हम लोगों ने अच्छे से खा लिया है। और ये मेरा भाई है छोटू, समझ रहे हो? देखो इसको आपने मेरे फर्स्ट एंड सेकंड, शायद फर्स्ट ब्लॉग में देखा होगा इसको आपने मेरे। और ये भाई है समझ रहे हो? देखो ये भाई है जो इल्माप्पी के ब्लॉग में था छोटा सा, ये भाई लड़का है समझ। और हम इंजॉय करने अपना अगर कहीं जाते हैं तो हम फिर आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जाते हैं, तो कंटिन्यू रहिएगा। हमें तो खास नहीं बच्चा पार्टी से हाय हेलो व्हाट्सएप रियानु स्माइल चिल्ड्रन पार्टी जिंदाबाद के। अभी हम लोग टीवी देख रहे हैं मोबाइल से वीडियो। रियान से हाय, रेयानू से हाय। हाय गाइस। तो गाइस अभी हम हमारी छोटी मुवानी के घर पर आ रहे हैं, वो छोटी मुवानी पीछे से दिख रही होंगी आपको किचन में और ये टीवी चल रही है। और मैंने अपने बालों को बिल्कुल सिंपल कर लिया है क्योंकि मुझे घर में थोड़ा सिंपल रहने की जरूरत है। मैंने झुमके उतार दिए थे, फिर कोई मेहमान आ गया तो मैंने वापस पहन लिए, तो अभी रख देते हैं। गाइस अभी हम डोरी मोन देख रहे हैं। गाइस ये मेरी सिस्टर बैठ के यहाँ पर शीर एंजॉय कर रही है और ये मेरा भाई बुक्स को पैक कर रहा है। अपने बैग पैक कर रहे हो अफान? और ये ड्रामा के काम। और ये मेरा और मैं इसको एंजॉय कर। और गाइस ये हम थोड़ा सा क्राफ्ट का काम कर रहे हैं तो उसके हम लगे पड़े हैं। ये इनके भाई का है वो काम। अफान बेटा कंपास कहाँ है?
टूट गया। तो गाइस हमारा कंपास मिल नहीं रहा था तो हमने इससे काम चलाया, आप लोग भी इससे काम चलाया करो। और इत्तेफाक से ये जितना हमें चाहिए था उतना ही बड़ा है, 6 सेंटीमीटर चाहिए था, ये पूरे 6 सेंटीमीटर है। तो शुक्र करते हैं हम इस चूड़ी का जो अभी यहाँ पड़ी मिली थी हमें। तोड़ना मत यार, पक्का 6 सेंटीमीटर का, ये देखो गिन लो आप। अरे यहाँ तो 7 पर आ रहा है। नहीं 7 तो नहीं आ रहा, यहाँ से नापते हैं। देखो ये वाला सर्कल है, ये वन पे, और ये 6 से अब करो, अब 6 पर है। हाँ है, देखो पूरा 6, ये काम हो गया। और यहाँ पर हम दोनों अपने मामू के बेटे का प्रोजेक्ट बना रहे थे क्योंकि उसको नेक्स्ट डे सबमिट करना था और जो कि ईद की वजह से पेंडिंग में पड़ा हुआ था तो बन नहीं पाया था। तो हम लोगों ने सोचा लाओ इसको बना देते हैं, और फिर ये कुछ इस तरह से सिंपल सा था तो हमने इसको बड़ी जल्दी बना दिया। थोड़ा टाइम लगा था इसकी बस फ्लावर्स को बनाने में, और ये बन गया। ये इतना सुंदर दिख रहा था, अच्छा लग रहा था उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड क्लास में है ना वो, इसलिए इतना सिंपल सा ही बनाया था। और फिर उसके बाद हम लोग सोने चले गए थे। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।